हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूनिट 3 के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है HLB स्किल। तो HLB स्किल से आप लोग के एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा HLB स्किल। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचता है, जिसके बाद हमारी यूनिट 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 भी करवा देंगे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे HLB स्केल के बारे में। तो देखो, जैसा इसका नाम है, ये हमारी क्या एक टाइप की स्केल है। और अगर HLB की बात करें तो HLB स्टैंड्स फॉर हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। देखो, आप लोग इन सारी चीज़ों को हटाओ और बिल्कुल ध्यान से समझो कि ये जो हमारी HLB स्केल है, सबसे पहले ये हमारी यूज होती है इन द केस ऑफ सर्फेक्टेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोज अच्छे से देख रखी है। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, तो उसके मॉलिक्यूल में जो हमारा अपर पार्ट होता है वो हमारा होता है हेड, और जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो हमारा होता है टेल। यानी कि सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि जो हमारा हेड पार्ट है वो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का सिंपली मतलब है कि ये हमारा वाटर लविंग होता है, यानी ये वाटर में इजिली डिजॉल्व हो जाता है। और जो हमारा टेल होती है वो हमारी होती है लाइपोफिलिक नेचर की, यानी ये हमारी जो है ऑयल में इजिली डिजॉल्व हो जाती है, या फिर कह सकते हो कि वाटर में जो है डिजॉल्व नहीं होती है। यानी इसको हम लोग यहाँ पे लाइपोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक। देखो यहाँ पे वर्ड से समझो, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लवर, यानी कि ये यहाँ पे वाटर में इजिली डिजॉल्व हो सकती है। और यहाँ पे लाइपो, लाइपो मतलब लिपिड से आया है, और लिपिड हमारे क्या होते हैं, ऑयली सब्सटेंस, तो ये हमारे ऑयल में इजिली डिजॉल्व हो सकती है। तो ये था हमारा सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि हम लोग किसी सर्फेक्टेंट में बात करें, तो मान लो अगर उसका जो हेड पार्ट है, यानी कि उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, अगर वो ज़्यादा पावरफुल है, तो हमारा सर्फेक्टेंट किस नेचर का होगा। भाई देखो, एक चीज़ समझो कि अगर हमारा कोई सर्फेक्टेंट है तो उसके अंदर हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों पार्ट होंगे। लेकिन इन दोनों में से मान लो अगर हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, यानी कि जो हमारे हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स इसके अंदर अटैच हैं वो हमारे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमारा सर्फेक्टेंट थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। और वहीं पे अगर जो हमारे सर्फेक्टेंट का लाइपोफिलिक पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि जो हमारे इसके अंदर लाइपोफिलिक ग्रुप है वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमारा सर्फेक्टेंट थोड़ा लाइपोफिलिक नेचर का हो जाएगा। देखो, होंगे इसमें दोनों नेचर, लेकिन यहाँ पे किसी एक पार्ट के बढ़ जाने से उसका नेचर थोड़ा हमारा उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर हाइड्रोफिलिक बढ़ा तो हाइड्रोफिलिक हो गया, लाइपोफिलिक बढ़ा तो लाइपोफिलिक हो गया। तो HLB स्केल हमारी क्या बताती है, ये हमारी सिंपली यही बताती है कि जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है या फिर हमारा जो है लाइपोफिलिक नेचर का है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे जनरल ओवरव्यू की बात करें, तो जो हमारी HLB स्केल होती है इसके अंदर हमारी 1 से लेकर 20 तक जो है रीडिंग्स होती हैं। यानी सिंपली जैसे हमारी जो स्केल होती है तो 15 सेंटीमीटर की होती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारी 1 से लेकर 20 तक हमारी रीडिंग्स होती हैं, जिसमें से जो हमारी 1 से लेकर 10 तक की जो रीडिंग्स हैं वो हमारी लाइपोफिलिक नेचर को शो करती हैं, और जो 10 से लेकर 20 तक की जो रीडिंग है वो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करती है। यानी अगर हमारा कोई सर्फेक्टेंट जो है 1 से लेकर 10 HLB वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो वो सर्फेक्टेंट का नेचर क्या होगा, लाइपोफिलिक, यानी कि जो हमारा उसका लाइपोफिलिक पार्ट है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रांग नेचर का होगा। और वहीं अगर किसी सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू हमारी 10 से 20 आ रही है, तो वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, यानी कि उसका जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बाकी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हमारी ये सारी चीजें थोड़ा सा डिफाइन करता है। जैसे HLB स्टैंड फॉर जो कि हमारा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। यानी कि यहां पर क्या होता है, ये हमारा जो है ये बताता है कि जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो हमारा हाइड्रोफिलिक है या फिर लाइपोफिलिक है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो HLB सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन स्केल दैट इज डिजाइन टू डिफरेंशिएट सर्फेक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। यानी ये हमारी एक स्केल होती है जिसको डिजाइन किया जाता है हमारे सर्फेक्टेंट को क्लासिफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, यानी कि वो हमारा हाइड्रोफिलिक है या फिर हमारा लाइपोफिलिक है, उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारा HLB स्केल डिजाइन किया गया। बाकी इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे यहाँ पे सर ग्रिफिन ने 1949 के अंदर। द वैल्यूज इन HLB स्केल रेंजेस, अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 20 तक की हमारी वैल्यू होती है, दैट इंडिकेट्स जो कि हमारे क्या शो करती हैं कि हमारा जो सर्फेक्टेंट है वो हमारा हाइड्रोफिलिक है या फिर हमारा लाइपोफिलिक है। बस सिंपल है, जैसे कि आपको पता है 1 से लेकर 10 तक हमारा लाइपोफिलिक है, 10 से लेकर 20 तक हमारा हाइड्रोफिलिक है। नाउ हाइयर HLB वैल्यू इंडिकेट्स दैट सर्फेक्टेंट इज हाइड्रोफिलिक, वाइल लोअर HLB वैल्यू इंडिकेट्स दैट सर्फेक्टेंट इज लाइपोफिलिक। देखो, आपको पता है कि जैसे हमारी जो 10 से 20 तक की वैल्यू है वो हमारी क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि जो हाई वैल्यू है। जैसे आप लोग जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे तो हाई वैल्यू क्या है, हमारे हाइड्रोफिलिक पार्ट को शो कर रही है, यानी हाई वैल्यू इंडिकेट करती है कि जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो हमारा हाइड्रोफिलिक है। वहीं अगर लोअर वैल्यू, यानी कि देखो 1 से लेकर 10, यानी कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहते हैं तो ऊपर की तरफ तो हमारा क्या होता है, लाइपोफिलिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। यानी कि जो हमारी लो वैल्यू है, यानी 1 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू है, वो हमारी इंडिकेट करती है कि सर्फेक्टेंट हमारा लाइपोफिलिक है।
तो बहुत ही सिंपल सा हमारा ये HLB स्केल का कॉन्सेप्ट है। बाकी हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो देखो यहाँ पे, चलो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि 1 से 10 तक हमारा हो गया लाइपोफिलिक, 10 से 20 तक हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि कुछ कुछ बुक्स में आप लोगों को ये जो है 18 तक देखने को मिलती है, यानी 1 से लेके 18 तक। तो मतलब यहाँ पे ये कुछ पुरानी बुक्स में देखने को मिलती है, बाकी आजकल जनरली हमारा 1 से लेके 20 तक का ही पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो इस लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक के अंदर भी तो हमारे अलग अलग क्लास होती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो देखो है तो हमारा 1 से लेके 10 तक पूरा लाइपोफिलिक, लेकिन इस लाइपोफिलिक के अंदर भी जो हमारा 1 से लेके 3 तक की HLB वैल्यू है वो हमारी इंडिकेट करती है एंटी फोमिंग एजेंट्स को। यानी कि एंटी फोमिंग क्या होता है, जो कि फोम को बनने से रोकते हैं, यानी कि जिस जो हमारे एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं। और बाकी हम लोग बात करें तो जो हमारे 3 से लेके 8 तक की वैल्यू होती है वो हमारी शो करती है WBO इमल्सीफायर्स, यानी इमल्सीफाइंग एजेंट। अब आपको पता है कि हमारे सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, हमारे दो इमिसिबल सब्सटेंस को मिलाने का काम करते हैं, जैसे ऑयल वाटर। तो इमल्सन हमारा क्या होता है, ऑयल वाटर का ही तो हमारा जो है हमारा एक सॉल्यूशन होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उनको मिक्स करने के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट डालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे वाटर इन ऑयल वाले इमल्सीफायर्स होते हैं, जैसे इमल्सीफायर भी दो टाइप के, एक हमारा WBO इमल्सीफायर, एक हमारा OBW इमल्सीफायर। देखो ये इमल्सन नहीं है, इमल्सीफायर यानी इमल्सीफाइंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये हमारा क्या है, 1 से लेके 10 तक हमारा क्या है, लाइपोफिलिक है। तो यहाँ पे हमारा इमल्सीफायर कौन सा होगा, वाटर इन ऑयल, यानी ऑयल हमारा ज़्यादा है, वाटर हमारा कम है, क्योंकि ये हमारा लाइपोफिलिक है। देखो इस सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो ना, अगर आप लोग को पता है इमल्सन वगैरह तो समझ रहे होगे। वाटर इन ऑयल क्या होता है, जिसमें ऑयल ज़्यादा हो वाटर कम हो। तो यहाँ पे देखो ये लाइपोफिलिक है, तो इसीलिए हमारा WBO हमारा लाई कर रहा है 1 से 3 से लेके 8 के बीच में। और वहीं पे हम लोग बात करें तो जो हमारा 8 से लेके, ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो हमारे 8 से लेके 16 तक की वैल्यू होती है वो हमारी शो करती है हमारे OBW इमल्सीफायर्स। यानी अब देखो अब हम लोग नीचे आते जा रहे हैं तो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट बढ़ रहा है, यानी वाटर वाला पार्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर, यानी वाटर हमारा ज़्यादा होगा इसके अंदर क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और ऑयल हमारा कम होगा। और वहीं पे हम लोग बात करें तो जो हमारी 16 से लेके 20 तक की जो हमारी HLB वैल्यू होती है वो हमारी शो करती है हमारे सॉल्युबिलाइजिंग एजेंट्स या फिर सॉल्युबिलाइजर्स को। तो सॉल्युबिलाइजिंग एजेंट्स यानी कि जो सॉल्युबिलाइज करते हैं, तो इसके बारे में अभी हमें देखना भी है तो इसको हम लोग देखेंगे। और जो हमारी 13 से लेके 16 तक की वैल्यू है ये हमारी शो करती है डिटर्जेंट्स को। तो डिटर्जेंट्स और सॉल्युबिलाइजर्स इन दोनों को हमें आज की वीडियो में आगे पढ़ना है, अभी तो हम लोग देखेंगे। और बाकी यहाँ पे देखो जो हमारी 7 से लेके 9 तक की जो HLB वैल्यू होती है वो हमारी इंडिकेट करती है वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स के बारे में। तो स्प्रेडिंग एजेंट्स तो हम लोगों ने लास्ट में देखा ही, जो हमारी स्प्रेड कराने का काम करते हैं। और वेटिंग मतलब कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम लोग वाटर में डालते हैं तो वाटर से रिपेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर और उन सब्सटेंस के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है, तो यहाँ पे वो वेट नहीं होते हैं। तो इन ये एजेंट्स क्या करते हैं, उनके बीच में यहाँ पे मतलब वेटिंग कराने का काम करते हैं। यानी कुछ कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि वेट नहीं होते, तो ये एजेंट्स उनको वेट करने का काम करते हैं, तो ये हमारे वेटिंग एजेंट्स हो गए। तो देखो इस तरीके से हमारी HLB स्केल हमें देखने को मिलती है। आई होप कि समझ गए होगे। देखो बहुत ही सिंपल है, ये हमारी HLB स्केल है। 1 से 10 तक की वैल्यू हमारी लाइपोफिलिक, 10 से 20 तक हाइड्रोफिलिक। अब इसके अंदर भी हमारा जैसे 1 से लेके 3 तक एंटी फोमिंग, 3 से लेके 8 तक WBO, और 7 से लेके 9 तक वेटिंग, और जो है 8 से लेके 16 तक आपका हो गया OBW, और उसके बाद हमारे डिटर्जेंट्स, और फिर हमारा ये हो गया सॉल्युबिलाइजर्स। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू जो है असाइंड होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्फेक्टेंट्स को। देखो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्फेक्टेंट्स हैं। तो हमारा HLB वैल्यू वही चीज़ है ना, HLB स्केल हमारा इन लोगों को डिफरेंशिएट कर रहा है इसकी वैल्यू के हिसाब से, वही है सिंपल। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स, तो वही जो हम लोगों ने अभी लास्ट में देखा कि HLB वैल्यू हमारी 1 से लेके 3 तक क्या रिप्रेजेंट करती है, एंटी फोमिंग एजेंट्स। तो देखो ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट, यानी सर्फेक्टेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हमारा एंटी फोमिंग एजेंट हो गया, और WBO इमल्सीफाइंग एजेंट हो गया, OBW इमल्सीफाइंग एजेंट हो गया, स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, 8 से 16 हमारे OBW हो गया, 7 से 9 हमारा स्प्रेडिंग, 13 से 16 हमारा डिटर्जेंट्स, वही चीज़ है। बाकी अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो हमारा HLB का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक अपॉन लाइपोफिलिक। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये बिल्कुल सिंपल ही है। जैसे HLB हमारा होता है हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक ऊपर है और हमारा लाइपोफिलिक नीचे है। तो देखो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे बिल्कुल इसी स्केल की रीडिंग को शो कर रहा है,
जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो हमारा HLB है वो हाइड्रोफिलिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लाइपोफिलिक के इन्वर्सली है। यानी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मान लो किसी सब्सटेंस की HLB वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और लाइपोफिलिक उतना कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली है। और देखो यही चीज़ तो है, हमारी हाई HLB वैल्यू क्या है, हाइड्रोफिलिक शो कर रही है। यानी हाई HLB वैल्यू से हमारा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट शो होगा, यानी हमारा सब्सटेंस जो है मोर हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा और लेस लाइपोफिलिक होगा। और वहीं अगर हमारी जो HLB वैल्यू है वो हमारी कम है तो देखो ये जितना कम होगा हमारा सब्सटेंस उतना ज़्यादा लाइपोफिलिक नेचर का होगा। क्योंकि देखो क्या है, लो HLB वैल्यू हमारी क्या डिनोट कर रही है कि सब्सटेंस हमारा लाइपोफिलिक है, तो ये जितना कम होगा हमारा लाइपोफिलिक पार्ट उतना स्ट्रांग होगा। क्योंकि देखो ये दोनों इन्वर्सली हैं, अगर ये ज़्यादा है तो हमारा कम लाइपोफिलिक मोर हाइड्रोफिलिक, और अगर हमारी HLB वैल्यू लो है तो लेस हाइड्रोफिलिक और मोर लाइपोफिलिक। देखो ये थोड़ी सी सिंपल सी मैथ है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। और बाकी हम लोग बात करें अपने डिटरमिनेशन ऑफ HLB वैल्यू के बारे में, तो यहाँ पे देखो बहुत ही हमारे अलग अलग मेथड्स यहाँ पे दिए जाते हैं HLB वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, और डिपेंड ऑन कि हमारा कौन सा सब्सटेंस है और उसके बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देखो अगर हम लोग मेथड वन की बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला हो जाता है HLB इज इक्वल टू ई प्लस पी डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे ई क्या है, ई हमारा होता है परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड चेन्स, और P होता है हमारे यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप्स। तो अगर आपके मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और वहीं पे मान लो अगर हमारा कुछ दूसरा है, जैसे कि हमारा एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, मेथड टू हमारा हो जाता है HLB इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस एस अपॉन ए, जहाँ पे एस हमारा क्या हो जाता है सब्सटेंस की हमारी सेपोनिफिकेशन वैल्यू और ए हमारा हो जाता है एसिड वैल्यू। अब आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे फैट एंड ऑयल्स का लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक देख लिया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि सेपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू क्या होती है। तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके हमारी HLB वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा HLB वैल्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ एप्लीकेशंस ऑफ HLB वैल्यू के बारे में, तो यहाँ पे देखो HLB वैल्यू हमारी जो है, जैसे कि क्या है, देखो ये हमारा एक टाइप का मतलब यही तो बताती है कि हमारा जो सर्फेक्टेंट है वो किस नेचर का है, और जो हमारे सर्फेक्टेंट के यूजेस हैं वही हमारे HLB वैल्यू के हो जाएंगे। जैसे कि HLB यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग क्रीम्स लोशंस एंड अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, यानी इनके लिए हम कौन सा सर्फेक्टेंट यूज करेंगे उसको हम लोग HLB वैल्यू से डिसाइड करते हैं। क्योंकि हमारा ये क्या बताता है कि हमारा सर्फेक्टेंट किस नेचर का है, तो जो नेचर सुटेबल होगा उसको हम लोग उस तरीके से HLB वैल्यू से कैलकुलेट करके इसमें यूज कर लेंगे। बाकी इट्स एम्प्लॉयड इन वेरियस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जैसे कि हमारा इमल्शन वगैरह हो गया, हम लोग इसी से बनाते हैं। बाकी इट इज़ यूज्ड इन फूड इमल्सीफायर्स, तो फूड इमल्सीफायर्स में भी यूज होता है। इमल्सीफायर्स क्या होता है, इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं इमल्सन को बनाने के लिए, जो हमारा ऑयल और वाटर को मिक्स करने का काम करता है, तो वो हमारा एक टाइप का सर्फेक्टेंट ही होता है। बाकी इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट, यानी कि सिंपल है वही चीज़ तो हम लोगों ने देखा कि हमारा सर्फेक्टेंट किस नेचर का है, एंटी फोमिंग एजेंट है कि हमारा वेटिंग एजेंट है कि क्या है। और बाकी हम लोग बात करें तो इन एग्रीकल्चर इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि बहुत सारे कीटनाशक जैसे हमारे होते हैं तो उनके फॉर्मुलेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस की बात करें, यानी कि कौन कौन से इसके कह सकते हो लिमिटेशन, यानी कितना ड्रॉबैक्स वगैरह, तो यहाँ पे इमल्सन स्टेबिलिटी कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस दैट इज नॉट एड्रेस्ड बाय HLB वैल्यू। देखो हम लोगों ने मान लो HLB वैल्यू से कोई यहाँ पे इमल्सीफाइंग एजेंट लिया जिससे हम लोगों ने इमल्सन बनाया, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या सोच रहे कि चलो हम लोगों ने एक अच्छा इमल्सीफाइंग एजेंट लिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर मानो हमारा जो इमल्सन है वो हमारा टेम्परेचर की वजह से खराब हो सकता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो इमल्सीफाइंग एजेंट यहाँ पे खराब हो सकता है, जो कि हमारा HLB वैल्यू हमारी एड्रेस यानी कि उसको यहाँ पे शो नहीं करती है कि हमारा टेम्परेचर की वजह से अगर खराब हो गया तो उसमें हमारा HLB वैल्यू काम नहीं आएगा। बाकी इट डज नॉट डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल सर्फेक्टेंट्स, यानी कि यहाँ पे देखो अगर मान लो कोई फॉर्मुलेशन है जिसमें बहुत सारे सर्फेक्टेंट्स का यूज हुआ है तो यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी को ये डिफाइन नहीं कर पाता है। बाकी इट डज नॉट डिफाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, देखो यहाँ पे HLB वैल्यू हमारे सर्फेक्टेंट के नेचर को तो डिसाइड करती है लेकिन उनका कंसेंट्रेशन कितना है, उनका अमाउंट कितना है, वो यहाँ पे हमारे HLB वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाती है। तो ये हमारे कुछ इसके लिमिटेशंस हो गए। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने दो और छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है सॉल्युबिलाइजेशन और डिटर्जेंसी। देखो यहाँ पे सॉल्युबिलाइजेशन क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में इस सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होता है। जैसे सॉल्युबिलाइजेशन इज सिंपली डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स।
देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि सॉल्युबलाइजेशन हमारी एक टाइप की ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं या फिर कह सकते हो सब्सटेंस होती हैं, यानी कि कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि क्या होती हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, लेकिन मान लो अगर हमें कोई ऐसा प्रिपरेशन बनाना है जिसमें हम लोगों को उसको वाटर में सॉल्युबल करना जरूरी है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सर्फेक्टेंट की हेल्प से करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं, यानी इसके थ्रू हमारा क्या होता है, हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द एंट्रैपमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन माइसिलेस। देखो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है जिसमें हम लोगों ने सर्फेक्टेंट के बारे में बात की थी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे दो अलग अलग नेचर के सब्सटेंस हैं, जैसे मान लो ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि मान लो हमारा वाटर है, ठीक है, या फिर ऑयल भी ले सकते हो, और मान लो इसमें हम लोगों ने कोई हमें कोई जो है सॉल्यूट मिक्स करना है, जैसे ये वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया और हमें कोई सॉल्यूट मिक्स करना है जो कि हमारा ऑयली नेचर का है, तो हम लोग इसमें कैसे मिक्स करेंगे, वो हमारे इसके अंदर मिक्स तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हम लोग इसमें जब सर्फेक्टेंट को ऐड करेंगे तो सर्फेक्टेंट क्या होगा, सर्फेक्टेंट यहाँ पे माइसिले का फॉर्मेशन करेगा, और माइसिले के फॉर्मेशन में क्या होगा, अंदर हमारे इसकी होती है कोर, तो ये जो हमारा ऑयली नेचर का पार्ट है वो हमारा क्या होगा, वो हमारे इसके इस कोर में इंट्रैप हो जाएगा, तो इसी तरीके से क्या होगा, ये हमारा हमारा जो है इस वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। देखो अगर आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार पिछला लेक्चर देख लेना जिसमें हम लोगों ने सर्फेक्टेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करी थी। तो यहाँ पे वही चीज़ है, द मैकेनिज्म यहाँ पे हमारा इंट्रैप हो जाता है, इंट्रैप मतलब यहाँ पे मतलब इसी के बीच में हमारा क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर कोर ऑफ माइसिलेस व्हाइल पोलर मॉलिक्यूल्स गेट्स एडजॉर्ब्ड एट माइसिलर सरफेस। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, जैसे ये जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है, मतलब ये हमारा थोड़ा सा पोलर नेचर का होता है। देखो पोलर क्या होता है, जैसे हमारा वाटर है तो ये वाटर हमारा क्या होता है, वाटर हमारा एक पोलर कंपाउंड होता है, तो जो हमारे पोलर होते हैं वो पोलर में, जैसे आपको पता है हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी में देखा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जो हमारा पोलर पार्ट है वो हमारा पोलर में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर हमारा नॉन पोलर में। तो देखो वाटर ऑयल एक दूसरे में क्यों नहीं डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि वाटर हमारा पोलर होता है पोलर नेचर का, और जो ऑयल होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन नॉन पोलर कोर ऑफ माइसिलेस। देखो यहाँ पे ये जो इसका कोर होता है, ये सेंटर वाला पार्ट होता है कोर, तो यहाँ पे देखो ये हमारे सारे जो है टेल पार्ट है, और तेल हमारा क्या होता है, टेल हमारा होता है लाइपोफिलिक, यानी कि ये हमारा होता है नॉन पोलर नेचर का, और जो हमारा ऑयली सब्सटेंस जो हम लोग मिला रहे हैं वो भी हमारा नॉन पोलर यानी नॉन पोलर नेचर का है, तो ये हमारा यहाँ पे फंस जाता है। और देखो इसका जो हेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये तो हमारा पोलर नेचर का होता है क्योंकि ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा वाटर के साथ अटैच हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, तो सिंपल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, अच्छा यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हाँ तो ये हम लोगों ने देख लिया। बाकी सॉल्युबलाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स वेयर इट इंप्रूव्स द एडजॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। देखो यहाँ पे ये बायो अवेलेबिलिटी को हम लोगों को आने वाले सेमेस्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है। बाकी इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोई जो हमारी दवा है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट दे रही है, मतलब एक दवा हम लोगों ने ली तो वो अपना कितना मैक्सिमम इफेक्ट शो कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, वही होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी बॉडी में पहले एब्जॉर्ब होती है फिर हमारी बायो अवेलेबिलिटी शो करती है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या करता है, सॉल्युबलाइजेशन हमारा इसके जो है इम्प्रूव करने का काम करता है, ठीक है, मतलब हमारी जो भी ड्रग्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो जाता है। बाकी हम लोग बात करें अपने डिटर्जेंसी के बारे में, तो देखो डिटर्जेंसी बिल्कुल यहाँ पे ये डिटर्जेंट वर्ड से ही आया हुआ है, और डिटर्जेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं भाई, जैसे मान लो घर की बात करें अपने, तो वहाँ पे जैसे हम लोग जब भी कपड़ा वगैरह धुलते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं जिससे हमारा डर्ट और फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा कोई कपड़ा गंदा हो गया है तो वहाँ से वो गंदगी साफ हो जाती है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, डिटर्जेंसी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना इन विच डर्ट और फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव फ्रॉम द सर्फेसेज विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट्स। देखो होता क्या है, जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा डीप में देखें तो जैसे मान लो ये हमारी कोई टी शर्ट है, कोई कपड़ा है, अब इसके अंदर मान लो हमारा कोई दाग ऐसे आके लग गया या फिर कोई भी गंदगी ऐसे आके चिपक गई है, तो अगर मान लो हम लोग नॉर्मली इस कपड़े को पानी में डालें तो आप लोग अगर कितना भी चाहो बट ये जो भी गंदगी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे साफ नहीं होगी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारी जो भी डर्ट है और जो भी हमारा क्लॉथ है, इनके जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा भाई, देखो ये हमारा अलग नेचर का है, हमारा क्लॉथ अलग नेचर का है, तो जो दो अलग नेचर के बीच में जो फोर्स होती है वो होती है हमारी एडहेसिव फोर्स, तो जो हमारा डर्ट और क्लॉथ के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इजिली हमारे क्लॉथ को छोड़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग सर्फेक्टेंट को ऐड करते हैं, यानी यहाँ पे थोड़ा सा देखना, सर्फेक्टेंट्स इन डिटर्जेंट्स एक्ट बाय रिड्यूसिंग द एडहेसन फोर्स बिटवीन डर्ट एंड द सरफेस
एंड डर्ट्स गेट रिमूव, यानी जैसे हम लोग सर्फेक्टेंट यानी कि जो भी हमारा सर्फ होता है, जैसे हम जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो हमारा एक टाइप का सर्फेक्टेंट होता है, उसको जैसे हम लोग डालते हैं वो क्या करता है, इनके और हमारे जो भी हमारा क्लॉथ है इसके बीच में जो भी हमारा कह सकते हो एडहेसिव फोर्स लग रहा है उनको यहाँ पे ब्रेक कर देता है, और इस तरीके से क्या होता है जो हमारी डर्ट है वो हमारी ईजिली रिमूव हो जाती है। देखो जैसे यहाँ पे होता है, आफ्टर रिमूविंग द डर्ट सर्फेक्टेंट गेट्स एडजॉर्ब्ड टू द पार्टिकल सर्फेस एंड डेवलप चार्ज देयर दैट प्रिवेंट्स द डिपोजिशन ऑफ डर्ट ऑन सॉलिड सर्फेस। देखो होता क्या है, जो हमारा सर्फेक्टेंट है जैसे पहले जो हम लोग डालते हैं तो पहले तो वो उसको रिमूव करता है और खुद इसकी जगह आके यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ज डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से ये डस्ट जो है दोबारा यहाँ पे हमारी नहीं अटैच हो पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम करता है हमारा जो भी डिटर्जेंट वगैरह होते हैं। डिटर्जेंट्स आर मेनली यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग, यानी कि हमारे घरों की क्लीनिंग में और जो भी फूड इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखो जो भी क्लीनिंग वगैरह का पर्पज होता है, जब भी हमें कोई गंदगी रिमूव करनी होती है तो हम लोग यहाँ पे डिटर्जेंट्स का ही यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ खास नहीं था, सिंपल सा हमारा था टॉपिक, और आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।